प्राइम मिनिस्टर, रिलीज होने से पहले ये फिल्म सुर्खियों में आ चुकी है, या यूं कहें कि इस फिल्म ने राजनीतिक गलियारे में हड़कंप मचा के रख दिया है। गौरतलब है कि यह फिल्म पत्रकार संजय बारू की किताब द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पर आधारित है। बारू दरअसल 2004 से 2006 के बीच में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार रह चुके थे। ये किताब वैसे तो 2014 में ही लॉन्च हो गई थी, मगर इस पर फिल्म अब बनी है और 11 जनवरी 2019 को रिलीज होने वाली इस फिल्म ने अभी से धमाल मचा दिया है, क्योंकि यह फिल्म लोकसभा चुनाव से लगभग 3 महीने पहले आ रही है और ऐसे में इसकी चर्चा काफी गर्म है। ट्रेल से पता चलता है कि इस फिल्म से कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही आवेश में और उत्तेजित मुद्रा में नजर आ रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं निर्मला राव और आप देख रहे हैं सत्यमेव न्यूज। फिलहाल हम आपसे बात कर रहे हैं द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के ट्रेलर पे, जो कल रिलीज हुआ था और कल से आज तक यानी 24 घंटे के अंदर अंदर ये अच्छी तरह से ट्रोल हो चुका है और कांग्रेस और बीजेपी में तनातनी का माहौल भी बन चुका है इस ट्रेलर को आने के बाद। आई मनमोहन सिंह, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। दरअसल इस फिल्म की खासियत यह है कि इस फिल्म में दिखाए गए सारे पात्र यानी कि सारे किरदार वही हैं जो अपने वास्तविक नामों से प्रकट होते हैं, यानी कि मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, लाल कृष्ण आडवाणी, भारत के दुलारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री एपीजे अब्दुल कलाम और लालू प्रसाद आदि आदि सारे किरदार ऐसे हैं जिनको आप बहुत अच्छे से जानते और पहचानते हैं। इतना ही नहीं, इस फिल्म में ये भी प्रयास किया गया है कि हर किरदार हूबहू वैसा ही दिखे जैसा वो है, अभिनय भी वैसा ही करे। इस फिल्म में मुख्य किरदार अनुपम खेर ने निभाया है, जो मनमोहन सिंह की भूमिका में नजर आ रहे हैं। उसके साथ ही अवतार साहनी ने लाल कृष्ण आडवाणी का रोल निभाया है, वहीं विमल वर्मा लालू प्रसाद यादव और अनिल रस्तोगी आपको शिवराज पाटिल की भूमिका में नजर आएंगे। इस फिल्म में एक और मुख्य किरदार है और वो है सोनिया गांधी का, जो सूजन बर्नेट ने निभाया है। आहना कुमरा ने प्रियंका गांधी के किरदार को हूबहू पर्दे पर उतार के रख दिया है। वहीं फिल्म के कमेंटेटर संजय बारू यानी कि फिल्म के जो लेखक थे वो संजय बारू की भूमिका है अक्षय खन्ना ने निभाई है। अर्जुन माथुर आपको राहुल गांधी की भूमिका में नजर आएंगे। वहीं दिव्या सेठ शाह आपको मिसेस गुरशरण कौर यानी कि मनमोहन सिंह की धर्मपत्नी के रूप में नजर आती हैं। मगर सबसे ज्यादा तुर्शी की बात तो ये है कि इस फिल्म में जहां मनमोहन सिंह की छवि को साफ सुथरा रखा गया है, वहीं सोनिया गांधी को पुत्र प्रेम में डूबी हुई एक माँ के रूप में दर्शाया गया है, जो मनमोहन सिंह को स्वतंत्र प्रधानमंत्री के रूप में काम नहीं करने देती। और यही वजह है कि जहां भाजपा इस ट्रेलर को देखकर बल्लियों कूदती हुई नजर आ रही है कि उसे बैठे बैठे कांग्रेस को घेरने का मुद्दा मिल गया है, वहीं कांग्रेस खेमे में ताजा तरीन मिली जीत की खुशी हवा हवाई होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि सोनिया गांधी की नकारात्मक छवि 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की लुटिया जरूर डुबो सकती है। ट्रेलर को देखने पे ये साफ पता चलता है कि सोनिया गांधी एक कठोर और बेहद महत्वाकांक्षी महिला के रूप में प्रदर्शित हो रही है। दरअसल द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह भारतीय नीति विश्लेषक संजय बारू का संस्मरण है, जो उस समय उनके सलाहकार भी रह चुके हैं। तो इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि संजय बारू ने कुछ हद तक तो वही लिखा होगा जो उन्होंने देखा या महसूस किया। कश्मीर से लेकर न्यूक्लियर और पाकिस्तान जैसे मुद्दे पर मनमोहन सिंह के विचारों की पार्टी हाईकमान द्वारा की गई अनदेखी इसमें स्पष्ट दिखाई दे रही है। पेंगुइन इंडिया द्वारा प्रकाशित इस किताब में यह भी आरोप लगाया गया था कि अपने कैबिनेट में, यहां तक कि पीएमओ तक में सिंह का कोई नियंत्रण नहीं था, बजाय उनके कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी के पास उनसे कहीं ज्यादा शक्ति थी और मनमोहन सिंह उनके एक सहायक मात्र थे। गुरुवार को फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर का ट्रेलर रिलीज हुआ और ट्रेलर रिलीज होते ही फिल्म को लेकर विरोध का सिलसिला शुरू हो गया। मनमोहन सिंह की राजनीतिक पार्टी यानी कि कांग्रेस ने फिल्म को लेकर कड़ा विरोध किया है और खबरों की माने तो इस फिल्म के रिलीज होने से पहले ही ट्रेलर को देखकर द यूथ कांग्रेस महाराष्ट्र ने फिल्म मेकर्स को एक पत्र लिखकर अपनी आपत्ति भी दर्ज करवाई है। कुल मिलाकर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के राजनीतिक जीवन पर बनी ये फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर को शुरुआत में ही कांग्रेस और बीजेपी में झूमा झपटी प्रकरण को लेकर शुरू हो चुका है मामला, और अब ये मामला बढ़ता बढ़ता कितना आगे बढ़ेगा ये देखने वाली बात है। गुरुवार रात को भाजपा के ट्विटर हैंडल से इसका ट्रेलर पोस्ट भी किया गया।
क्योंकि भाजपा के लिए बहुत खुशी की बात है। भाजपा ने द एक्सीडेंट प्राइम मिनिस्टर ट्रेलर को ट्वीट भी किया और ये भी लिखा कि इस फिल्म की कहानी ये बताती है कि कैसे एक परिवार ने 10 सालों तक देश को बंधक बना के रखा। क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह सिर्फ इसलिए प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे थे कि जब तक उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी तैयार ना हो जाए तब तक इस कुर्सी को संभाल के रखा जाए। दूसरी ओर जब उत्साहित मीडिया ने इस बारे में शुक्रवार को मनमोहन सिंह से सवाल किया तो वो बिना किसी भी प्रकार का जवाब दिया आगे बढ़ गए। मतलब जहां हम बैठे बैठा एक और भाजपा को इस फिल्म के बहाने कांग्रेस को घेरने का और हमला करने का मौका मिल गया है, वहीं कांग्रेस के नेता इस पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। अब सूत्रों की माने तो गैर भाजपा राज्यों में फिल्म पर प्रतिबंध लग सकता है। कांग्रेस की मध्य प्रदेश की सरकार ने इस फिल्म पर पहले से ही प्रतिबंध लगा दिया है। अब इसके अलावा छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब और कर्नाटक में भी कांग्रेस सरकार ऐसा ही कदम उठा सकती है। वहीं केरल, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और दिल्ली जैसे गैर भाजपा राज्य भी इस पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। वैसे भी महाराष्ट्र यूथ कांग्रेस ने इस फिल्म के निर्माताओं को नोटिस तो भेज दिया है, साथ ही संगठन के पदाधिकारियों ने रिलीज से पहले फिल्म उन्हें दिखाने की भी मांग की है। साथ ही कांग्रेस सांसद पीएल पुनिया ने मीडिया से कहा कि यह भाजपा का खेल है। उन्हें पता है कि सरकार के 5 साल पूरे होने वाले हैं और उनके पास जनता को बताने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसे में वह ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रही है। इस फिल्म में मनमोहन सिंह का किरदार निभा रहे अनुपम खेर का कहना है कि फिल्म का विरोध करने का कोई मतलब ही नहीं है। उन्होंने कहा कि द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर का जितना विरोध होगा उतनी ही फिल्म को पब्लिसिटी मिलेगी। फिल्म की कहानी जिस किताब पर आधारित है वो 2014 में आई थी, तब इसका कोई विरोध नहीं हुआ था, तो अब विरोध करने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि ये फिल्म पूरी तरह उस पुस्तक पर आधारित है। और हाल ही में राहुल गांधी जी का ट्वीट था कि जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की उन्होंने बात की थी, इसलिए मुझे लगता है कि राहुल गांधी को अब इस फिल्म का विरोध करने वाले अपने कार्यकर्ताओं को डांटना चाहिए क्योंकि वो गलत कर रहे हैं। अब जो भी हो, मगर 11 जनवरी 2019 को रिलीज होने वाली एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर का प्रदर्शन आगे सरके या नहीं, मगर दर्शकों को काफी अच्छा तमाशा बाहर भी देखने को मिल जाएगा क्योंकि इस फिल्म के बाद कांग्रेस की प्रतिष्ठा दांव पर लग सकती है और बीजेपी किसी भी हाल में ये मुद्दा अपने हाथ से नहीं जाने देगी क्योंकि 2019 में सत्ता का स्वाद दोनों ही चखना चाहते हैं। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया की ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्यमेव न्यूज और निर्मला राव को दीजिए इजाजत। जय हिंद।